गेटवे के साथ ताज मैडम, सालों बाद जब आप ये फोटो देखेंगी मैडम तो आपको आपके चेहरे पे यही धूप दिखाई देगी, आपके बालों में यह हवा और आपके कानों में हजारों लोगों की आवाजें, हमेशा के लिए सब चला जाएगा। आपकी दादी ना हमारे आस पड़ोस में आपके लिए दुल्हन ढूंढ रही है। निकाह कर लोगे ना तो ठंडे बिस्तर पे सोना नहीं पड़ेगा। मारू के ऊछे के पिंकली। That's my younger one, Meloni. CA foundation top karush hai. Now she's preparing for CA inter. ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? दादी ने दवा बंद कर दी है दुल्हन ढूंढने के चक्कर में। प्यारी दादी अस्सलाम वालेकुम। सुनने में आया कि आपने दवा बंद कर दी है, तो मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुझे यहाँ एक लड़की मिल गई है, नाम भी बहुत प्यारा है, नूरी। उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे आप ही ने ढूंढ ढूंढ के चुनी हो। तुमने मुझे ये फोटो क्यों दी? तुम ये भी कह सकते थे कि अगर मैं तुम्हारी दादी से मिलूंगी तब दोगे। बस एक बार अगर आप मिल लेती तो तुम और फोटोज ले सकते हो मेरे। जी बिल्कुल। ये बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले? हम मिले थे गेट ऑफ इंडिया पे। जब मैंने वो अपनी फोटो देखी तो मुझे लगा कि कोई और ही है। वो लड़की मुझसे ज्यादा खुश लग रही थी और ज्यादा सुंदर भी। कहाँ से नाजुक लड़की ढूंढ के लाया है जो एक गोला खा के बीमार पड़ जाती है। तुम ठीक हो? जी मैं भी ठीक हूँ। एक दूसरे के करीब हो मियाँ। अरे वो कोई बिजली का तार नहीं है। स्माइल प्लीज। ये आप और मैडम एक्टर हो क्या, नाटक वाले? हाँ। तभी मैं सोच रहा था, नहीं तो इनके जैसी लड़की आपके साथ छूटा वापस करना।